आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून मसूरी मार्ग पर डीआईटी कॉलेज के पास स्थानीय युवकों और सहारनपुर निवासी कुछ युवकों के बीच में पैसे के लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई, जिसकी सूचना स्थानीय निवासी द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीन युवकों को हिरासत में ले लिया, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया। इस मौके पर पीड़ित अभय कोठाल ने बताया कि उनके द्वारा सहारनपुर निवासी युवकों को किराए पर जेसीबी मशीन दी गई थी। इसके भुगतान के लिए वह उनके पास गए। इस दौरान युवकों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और पिस्तौल निकालकर फायर करने का प्रयास किया गया, लेकिन उस युवक को दबोच लिया गया और पुलिस ने उस पिस्तौल को भी बरामद कर लिया। और उन्होंने कहा कि युवकों द्वारा उनके भाई और उनसे मारपीट की गई, जिसकी रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज कर ली है। इस मौके पर एसआई मनोज भट्ट ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि डीआईटी के पास कुछ युवकों से मारपीट की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवकों को पकड़कर चौकी ले आई। और उन्होंने कहा कि युवकों के पास से लाइसेंसी पिस्तौल बरामद की गई और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तो क्या कहते हैं, हमें इन्होंने बुलाया कि आपका ड्राइवर बहुत स्लो काम कर रहा है। तो हमने बोला ये तो पहले ही दिन पता लग जाना चाहिए भैया। तो इन्होंने कहा कि एक काम करो, मैंने कहा आज पैसे देने की वो है, आज तुम्हारा काम खत्म हो रहा है, तुम ऐसे वो बोल रहे। इन्होंने कहा एक काम करिए, पैसे लेने तो यहीं आ जाओ साइड पर। हम साइड पर जैसे ही गए, गाड़ी से जैसे ही उतरे, इन्होंने कहा आओ पहाड़ियों तुम्हें बताते हैं। और इन्होंने बेलचा निकाला और बेलचा जैसे ही बेलचा चलाया वो मेरे भाई के पीछे लगा कमर पर, और क्या कहते हैं उसके बाद एक बेलचा मेरे पैर में और मेरे सिर पे लगी हुई है चोट। ये बट निकाला, इसने बट मारा पिछले का और ये भागते हुए फिर पीछे चले गया। और पीछे से इन्होंने माँ बहन की गालियाँ और मुझे कहा तो ये घर में आके मार देंगे और हम बजरंग दल के हैं, ये हैं वो हैं, अपने जो भी बात बताने लगा। फिर हमने इससे क्या कहते हैं, फिर हमारे पिस्टल क्या कहते हैं, नहीं पिस्टल क्या कहते हैं, इसने जब वो ही लड़ाई हुई हमारी छीना झपटी, तो इसने पिस्टल निकाल के कोक करने की कोशिश करी। कोक करते हमने इसे पकड़ लिया, ये गिर गया नीचे और इसने एक आदमी को अपने फ़ोन करा और क्या कहते हैं वो आया, वो मौके पे सीसीटीवी कैमरे में आ गया है पिस्टल लेते हुए, जो कि पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसमें तीन जिंदा कारतूस हैं और क्या कहते हैं ये जो पिस्टल है ये उत्तर प्रदेश का लाइसेंस है और ये उसके भी एक सीमा होती है। और ये यहाँ पे मतलब हमारे ये हैं भट्ट साहब, इन्हें ज़्यादा संरक्षण पुलिस का मिला है और मतलब इनकी नहीं है, क्योंकि अभी तक इनकी ना तो जीडी कटी है और 24 घंटे हो चुके हैं इस बात को, 24 घंटे तक हम इन्हें यहाँ भी नहीं रख सकते। 24 घंटे में आज मजिस्ट्रेट के सामने इन्हें पेश करना होता है। जो है 16 तारीख को शाम को 3:30 बजे सूचना आई, ये प्रधान जी हैं सुंदर कोठाल जी, उन्होंने अपने नंबर से सूचना दी कि यहाँ पर कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं। तो इसमें मैं मौके पर गया पुलिस के साथ, तो वहाँ पर देखा कि जो है सहारनपुर के दो लोग हैं, सागर भारद्वाज और बालिस्टर, तो इनका प्लॉटिंग का काम चल रहा है। तो जो इन्होंने जो है एक रेंट पे जो है वो लिया है, रेंट पे जो है जेसीबी ली थी काम करने के लिए, जो रवि कुठाल और मोनू कुठाल है ये लोकल के, उनकी थी। तो इन लोगों का आपस में जो है काम करने को लेकर जो है थोड़ा सा वाद विवाद हो गया था और वाद विवाद थोड़ा जो बढ़ा तो आपस में इन दोनों की मारपीट हो गई। और लड़के के पास सागर भारद्वाज के पास लाइसेंसी पिस्टल है और उस पिस्टल को झगड़े के दौरान वो पिस्टल नीचे गिर गई थी। वो जो पिस्टल नीचे गिरी तो इन लोगों ने सोचा कि ये पिस्टल निकाल कर फायर करने वाला है, तो गलत फहमी में जो है वो पिस्टल नीचे गिर गई थी। झगड़े में पिस्टल नीचे गिरी, वो उठा के जो एक मजदूर है उसने उठा के दे दी, जो कि हमारे पास फुटेज में दिखाई भी दे रहा है। फायर जैसी कोई घटना हुई नहीं है। 152 है, 323, 504, 506 और 30 आर्म्स एक्ट में न्यायालय में इनको पेश किया जाएगा, अग्रिम कार्रवाई जारी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। छोटी से बड़ी खबरों के लिए जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।